नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला कानपुर देहात की अमरौधा नगर पंचायत का है, जहां पर बीजेपी की नेताओं ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें योगी सरकार की उपलब्धियों गिनाई गई है। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता के समक्ष पहुंचे भाजपा नेताओं ने उनकी समस्या सुनी और निस्तारण करने की बात भी कही। वहीं पर जनता ने फिर से योगी सरकार पर अपना भरोसा दिखाया और आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ विजय बनाने की बात कही है। अमरौधा नगर पंचायत पहुंचे कानपुर देहात बीजेपी कोषाध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने लोगों को बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए तथा किसानों को किसान बीमा संबंधित और कृषि यंत्र पे विशेष छूट के बारे में जानकारी दी और किसी भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा किसी भी प्रकार की घूस लेने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने की शिकायत करने की बात कही है। बाबू कहाँ रहने वाले हैं? अमरौधा के। अच्छा, आज आपको पीएम स्वनिधि योजना के तहत आपको 10,000 रुपए सहायता राशि मिली हुई है, तो कैसा लग रहा है आपको? हमको अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? बिजनेस बढ़ाएंगे उसका। हम तो कम दलिया टोकनिया वाले आदमी थे। अभी क्या करते थे आप? दलिया टोकनिया वाला आदमी थे और जो अब हमको फायदा मिली, 10,000 रुपए का लाभ मिला हुआ, व्यापार बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के विषय में? बहुत बढ़िया कहेंगे, खराब कहेंगे? अच्छा कहेंगे। नाम है आपका? कहाँ रहने वाली है? अच्छा, आज आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ मिला हुआ है, आपको सम्मानित किया गया है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हम झोपड़ी में रहते थे, कच्चे घर में चूते थे। तो मोदी जी के द्वारा आपको आवास योजना लाभ मिला हुआ है? मोदी जी के द्वारा हम बहुत खुश हैं और मतलब आराम से रह रहे छत के नीचे। तो ये मोदी जी कैसे लगे आपको? मोदी जी अच्छे लगे और मोदी को वोट देंगे। आपका नाम परिचय? सौरभ मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी जिला कोषाध्यक्ष कानपुर देहात। सर, आज कस्बा अमरौधा में सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के जो सभा का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी के 4 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के प्रत्येक जिले में, जिले के प्रत्येक नगर पंचायत व ब्लॉक हेडक्वार्टर में 4 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न योजनाओं के द्वारा जनता को जो पैसे का प्राप्ति हुई, आवंटन हुआ, चाहे वो शौचालय के माध्यम से हो, चाहे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के माध्यम से हो, चाहे उज्ज्वला गैस के माध्यम से हो, चाहे आपके विद्युत कनेक्शन के माध्यम से हो, चाहे रेड़ी मजदूरों के लोन के माध्यम से हो, ऐसे ही लगभग 50 से 60 प्रमुख योजनाओं के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 वर्ष कार्य किया है। वह 4 वर्ष पूर्ण होने पर आज नगर पंचायत अमरौधा में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे संगठन के माध्यम व प्रदेश संगठन के माध्यम से रहना हुआ। इसमें मुख्य भूमिका का निर्वहन मैंने किया और इन आए हुए लाभान्वित लोगों को कुछ उनके द्वारा जो वितरण था, जैसे जिला उद्योग विभाग के माध्यम से हमारे भोगनीपुर के एक मुजम्मिल व्यक्ति को, नाम के व्यक्ति को लगभग 10 लाख रुपए का आवंटन हुआ, उनको मैंने वो चेक प्रदत्त कराई। उस विभाग से संबंधित अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे। इसी प्रकार से पूरे हर प्रत्येक नगर पंचायत में ये कार्यक्रम लगभग पूरे प्रदेश में चल रहा है। और मैं इतना ही नहीं कहूँगा, इस प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी ने ऐसे अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिससे देश की, प्रदेश की जनता ने उनको समझ लिया है, काम करने की व्यवस्था को समझ लिया है। मैं ये भी कहूँगा कि व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, लेकिन क्षेत्र का विकास होगा और प्रदेश का विकास होगा। जब क्षेत्र का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, नगर पंचायत का विकास होगा, तो वहाँ पर रहने वाली वह चाहे जिस जाति धर्म की जनता हो, वह सम्मानित जनता का भी विकास होगा। इसी माध्यम से आज यह व्यवस्था रखी गई और इस कार्यक्रम में संगठन के माध्यम से हमारे बड़े भाई इसका नामी सभासद आदरणीय कमल प्रकाश मेहरोत्रा जी, हमारे किसान मोर्चा के आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, इस नगर के पूर्व सम्मानित मंडल अध्यक्ष आदरणीय ओम बाबू जी, इस हमारे सम्मानित बैंक के संबंधित सेकंड अफसर रहे, और चूंकि इस नगर पंचायत में सम्मानित हमारे जो भी नगर पंचायत के सम्मानित सभासद हैं वो भी रहे, और मंडल के हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश निषाद जी रहे, और पूर्व में हमारे साथ हमारे मित्र और जो मंडल के नगर अध्यक्ष भी रहे, ऐसे शैलेंद्र कुशवाहा जी भी रहे, ऐसे बहुत से लोग इस बीच में रहे, जिसमें इस कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका के रूप में इस नगर पंचायत के वरिष्ठ लिपिक और आदरणीय लाला जी